दोस्तों, आज एक ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपको मोटिवेशन के नेक्स्ट लेवल पर लेकर चली जाएगी और आप कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। 11 फरवरी 1990 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिस दिन किसी एक साधारण से इंसान ने माइक टायसन को हराया था। माइक टायसन अपनी लाइफ में कोई भी फाइट कभी नहीं हारा, लेकिन वो इस दिन हारा। इसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस्टर डगलस एक नॉर्मल सा फाइटर, उसकी माँ कहा करती थी कि एक दिन मेरा बेटा माइक टायसन को हराएगा। ये सुनकर बस्टर डगलस हमेशा डर जाया करता था और कहता था, माँ आप क्या बात कर रहे हो, मैं माइक टायसन को कैसे हरा सकता हूँ। उसकी माँ ने कहा, तुम ऐसा करोगे, ऐसा कर सकते हो और तुम्हें करना होगा। कुछ दिनों बाद उसकी माँ अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और वो हॉस्पिटलाइज हुई। हॉस्पिटल में बस्टर डगलस की माँ ने कहा कि तुम्हें माइक टायसन को हराना है, भूलना मत। और बीमारी के चलते उनकी माँ की डेथ हो गई। अपनी माँ की डेथ के जस्ट 2 दिन बाद बस्टर डगलस की फाइट हुई माइक टायसन से, ऐसे व्यक्ति से जो अपनी लाइफ में कभी कोई फाइट हारा ही नहीं। कमाल की बात यह हुई कि जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये क्या टिकेगा माइक टायसन के सामने, 1-2 राउंड भी मुश्किल से होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने 4 राउंड तक बस्टर डगलस ने माइक टायसन को फेस किया। उसके बाद में नॉकआउट राउंड में माइक टायसन ने उसको गिरा दिया। और ये एक इतिहास था कि जब भी माइक टायसन ने किसी को इस तरह से मारा तो वो दोबारा नहीं उठा। लेकिन आखिरी के सेकंड में बस्टर डगलस खड़ा हो गया और वो लड़ता रहा। तब तक लड़ता रहा जब तक उसने माइक टायसन को नीचे नहीं गिरा दिया, हरा नहीं दिया। पूरी दुनिया देखकर आश्चर्यचकित होकर आंखें फटी की फटी रह गई, ये क्या हो गया, एक साधारण से फाइटर ने माइक टायसन जैसे फाइटर को हरा दिया। इस पूरी स्टोरी के पीछे मोटिवेशन क्या है, और से सुनिएगा। आपका कितना भी बड़ा टारगेट क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी आपने सोच ना रखी हो, आपको लगे कि आप वहां तक पहुंच भी नहीं सकते, बस उस चीज को आपको अचीव किस लिए करना है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो बॉस। जिस तरह से बस्टर डगलस का विजन एकदम क्लियर था कि मैं अपनी मरी हुई माँ की इस आखिरी इच्छा को हर हाल में पूरा करूंगा। जब भी आप डीमोटिवेट हो तो उस स्टोरी को जरूर याद कर लीजिएगा। जिंदगी में मकसद पैदा कीजिए, जानिए कि भी आपको पाना क्यों है, आपको बड़ा क्यों बनना है, आपको पैसे क्यों कमाने हैं, आपको सम्मान क्यों कमाना है, किसके लिए कमाना है। जिस दिन आपको ये वजह पता चल जाएगी ना, उस दिन आप भी अपने जीवन के सारे अचीवमेंट अचीव करके रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। इस स्टोरी को सुनकर मेरी बॉडी के अंदर मेरी ब्लड का फ्लो भी बढ़ गया और डेफिनेटली आपका भी बढ़ा होगा। क्या बोलती पब्लिक, डीमोटिवेट होने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। माइंड इट 200 टाइम्स।